don't wanna run away, it's not me, right? Who you looking for? Who's your toy? Keep your head up, I'm a killer, 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 bang, bang, bye, bye. I'm a killer, 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 bang, bang, bye, bye. I'm a murder, 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 murder. और भाइयों क्या हालचाल आ चुके और नेगेटिव वीडियो के साथ, कैसा चल रहा रैंक पुश, कितनी कितनी रैंक पे आ गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा आज लग गया एस और क्राउन वन से एस तक मुश्किल से दो से तीन मैचेस मैंने खेले होंगे, समझ सकते हो कितना प्लस मिला कि मेरे 100 पॉइंट्स ऐसे ही हो गए। उन दो तीन मैचेस में से दो मैचेस जो कि बहुत खास थे इस वीडियो में, बहुत ही तगड़े मैचेस थे, क्या ही इंटेंस फाइट्स हुए थे, किल्स वगैरह भी डिसेंट थे और उनमें ना दिमाग बहुत लगाना पड़ा था, तो मजा बहुत आने वाला है, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और यार कल वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखा था जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो गया, तो यार थैंक यू सो मच। और आज फिर से रखते हैं 500 लाइक्स का, देखते हैं कितनी जल्दी होता है, जल्दी से लाइक कर देना। अभी उतरता है यासना जहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे आए और ऑब्वियसली हॉट ड्रॉप पे फसाड़ मचने वाली है, काफी सारे किल्स यहीं से उठाते हैं, चलो। इस बंदे को मारने के बाद आता हूँ बगल वाले अपार्टमेंट पे और यहाँ पे साउंड गाइड मेरा क्या काम आता है देखना। अभी एक हल्की सी आवाज आई मूवमेंट की, फुटस्टेप नहीं आया था, एक रैंडम मॉली डाल दी यहाँ पे और देखो बंदा मूव किया। अभी बंदा यहाँ पे कंफर्म तो हो गया, बस एक और नेट करने ही वाला था कि बंदा नीचे कूद जाता है। इस बंदे को मारने के बाद निकलता हूँ पीछे की तरफ जहाँ पे गोलियों की आवाज आ रही थी, यहाँ से निकल ही रहा था कि एक फुटस्टेप आता है और ये बंदे ने सोचा नहीं होगा मैं अचानक से ऐसा निकलूंगा, इसको मार दिया। अभी बगल में एक बिल्डिंग पे जाता हूँ जिसके सामने फाइट चल रहा था दो बंदों का, थोड़ा सा होल्ड किया, जैसे ही मौका मिला इस बंदे को मार दिया। अभी ये जिसको मार रहा था वो बंदा है छत पे क्योंकि पहले साउंड आ गया था। अब इस पे क्रॉस करके पुश तो नहीं कर सकता तो नेड्स करता हूँ, पहले सोचा कुछ डैमेज दे दूंगा, अगर फट गया तो बहुत अच्छी बात है। पहला नेड मैंने चोक कर दिया, थोड़ा लेट हो गया, एक और नेड कुक किया और अभी साउंड से ये समझ में आ रहा था कि बंदा पीछे चला गया है और बूम, क्या ही एक्यूरेट नेट था, दूसरे नेट पे ये बंदा फट गया। अभी यहाँ से सोच रहा था निकलूंगा और कोई नहीं है, कुत्ते में यहाँ पे दो बंदों का फाइट होता है जिनमें से एक ने किसी को मार दिया और तो थोड़ा सा लेट हो गया, इस बंदे को मार सकता था बट कोई नहीं, अभी इस पे पुश करते हैं। यहाँ पे देखा मैंने क्या गलती की, मैं मर सकता था बट कोई नहीं, अब मुझे पता था बंदे को मेरी लोकेशन पता है तो वो नेड तो करेगा, बस यहाँ से निकलना था। बट उससे पहले एक मॉली डाल देता हूँ, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बंदा मॉली से ही मर गया, मुझे बस उसको उस विंडो से हटाना था। अब वहां से निकला ही था गाड़ी लेके कि ये रिकॉल टावर से गोलियां पड़ती है, और यार ये थोड़ा सा गलत ही सीन मुझे लगा बट बंदा प्रोन होके मारा था जब मैंने देखा तो सोचा लेजिटी है, चलो बहुत अच्छा मारा बंदे ने। अब फिलहाल के लिए आया हूँ ऊपर रिकॉल होके, थोड़ी बहुत लूट करूंगा और यहाँ से निकल गया क्योंकि ऊपर कोई नहीं था। अभी देखो जोन हो चुका है बहुत छोटा, 47 अलाइव है, जोन कट रहा था रिवर के उस साइड यानी रुइंस के साइड, लेकिन कोई गाड़ी नहीं थी जाने के लिए तो बस ऐसे ही क्रॉस करके जाता हूँ, सोचा यहाँ पे रोड पे एक ना एक गाड़ी तो मिल ही जाएगी या फिर यहाँ से बंदे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी गाड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं भैया यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं है। अब एकदम ओपन उतरा हूँ, बंदे बहुत सारे हैं, 45 बंदे हैं और सामने गोलियों की आवाज़ सुनी, सामने मेरे जो राइट में घर है वहाँ पे भी बंदे हैं। अब यहाँ से कवर ले लेके जा ही रहा था कि नीचे फाइट होता है, उतने में पहले मुझे ये डासिया दिख गई थी और इसको उतार दिया और ये वही बंदा था जिसको अभी मैंने मारा था पहले। इसकी गाड़ी लेके सीधा जाता हूँ हिल की तरफ और अभी अगर तुमने नोटिस किया होगा तो हिल पे एक बग्गी लेके एक बंदा बैठा था, तो
हमेशा जो है ना जोन का एज रखा करो और पीछे क्लियर रखा करो, बट इस बंदे ने वो नहीं किया। भाई तुम्हारे पीछे भी जोन है, बंदे घूम के आ सकते हैं, ये चीज दिमाग में रख के खेला करो, बैक क्लियर रखा करो। अभी इस बंदे के पास थी तगड़ी लूट, एक ऑम और एक ब्रोजा। तो पहले ऑम उठाता हूँ, सोचा थोड़े बहुत किल छुटाऊंगा। उतने में पीछे की तरफ ये गोली की आवाज सुनी, ये बंदा मेरे भी पीछे बैठा है, तो ये चांसेस है कि जब जोन कटेगा तो मेरे पीछे से आ सकता है, तो इसको मैंने सोचा पहले क्लियर करूंगा, बट ये बंदा नहीं दिखता। तो काफी देर पहले वेट करता हूँ कि जोन कटेगा तब इसको मारूंगा, और जोन देखो अभी कट चुका है और मेरा एकदम अपोजिट कटा है। 19 बंदे अलाइव है, सोच रहा था जोन में जाऊं, बट बाद में सोचा इस बंदे को मार के ही जाता है, बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, तो यहाँ पे रुक जाता हूँ। सोचा यार क्रॉस तो करेगा ही बंदा, जोन में तो आ रहा है, कितनी देर रुकेगा। और तब ये बंदा क्रॉस करता है ओपन से और इसको ले लिया। अभी भी देखना, जो चीज हमेशा बोलता हूँ ना बैक क्लियर रखने का, मैं देखना जोन के कितना साथ साथ जाऊंगा। पूरा जोन का स्टार्ट होने का वेट किया और मेरी तरफ से जो जोन था वो थोड़ा सा धीरे आ रहा था, उतने में ये बग्गी आई जो कि नीचे जाके रुक गई। देखा लेट जाने का फायदा, मुझे पहले ही पता चल गया वो जो बग्गी है, जो बंदा है वो नीचे जाके रुकेगा, तो उसके पीछे से आता हूँ। और उसने नहीं सोचा होगा कि अभी एकदम पीछे से कोई आएगा, बट इस बार ना वो बंदा पहले ही मेरी तरफ देख रहा था, जो कि मुझे डैमेज दे देता है। बंदा काफी अच्छा मार रहा था और मैंने भी काफी चोक किया था, ग्रोजा की मेरे को आदत नहीं है। उसके बाद मेरा बैकपैक पता नहीं क्यों बार बार खुल रहा है, आजकल 2 दिन से यही हो रहा है, कंट्रोल्स मेरे ख्याल से कुछ छेड़खानी हुई है। अभी जोन स्टार्ट हो रहा है, देखो काफी छोटा जोन है, 10 किल्स हो गया है। मेरा टारगेट था यार बस टॉप 5 आ जाऊँ ना, तो बहुत तगड़ा प्लस निकलेगा। फाइट्स हो रही थी, बस होल्ड किया था कि बंदे थोड़े बहुत मर जाए तो मैं जोन में जाऊँ और अच्छी पोजिशन निकाल लूँ। यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि जोन के एजेस के साथ साथ जाऊँगा, बट एजेस देखो एकदम ओपन थी, तो मुझे पहले कवर चाहिए था। सीधा आता हूँ जोन में, बंदे जोन के बाहर थे जो कि मेरे बाद आने वाले हैं। मैं चाहता तो इसको मार सकता था, बट मेरे पीछे से बंदे आने के चांसेस है, तो पहले पीछे क्लियर करने के लिए आ जाता हूँ। हमेशा बैक क्लियर रखा करो, लेफ्ट से एक स्मोक डाल दिया, राइट से और भी करूंगा, और तभी ये वही बंदा था जिसने मुझे पहले मारा था, गाड़ी से उतारा था, रिवेंज भी ले लिया और एक किल और मिल गया, 11 किल्स हो गए, 7 बंदे थे। यहाँ पे राइट में जो पत्थर है ना वहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है अभी, वो एग्जैक्टली इसने फायर किया और यही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। पहले तो स्मोक कर दिया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम मैंने अपने लिए खुद क्रिएट की थी, मालूम नहीं क्यों मैं पीछे गया, सोचा किल्स उठाऊंगा, और तभी ये बंदा दिखता है, बट उसने मुझे पहले देख लिया था और देखो क्या ही डैमेज दिया। तुरंत एक स्मोक किया, अभी आ गया था टॉप 4, 4 बंदे बचे, तो प्लस तो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। बस इस बंदे को मारने का ट्राई किया हल्का सा पीक लेके, बट यार एक गोली का बचा होगा बंदा, बट उसने भी काफी अच्छा मारा, पहले ही एम लेके बैठा था। यहाँ पे ना प्लस देखो तुम, बस 39+ जो कि बहुत ज्यादा था क्राउन 1 लॉबी पे। अभी चलते हैं सीधा दूसरे मैच में, बड़े प्यार से शुरुआत होती है इस मैच की। रिकॉलो के उतरता हूँ मिलिट्री बेस, गाड़ी लेके यहाँ से निकल ही रहा था कि ये जो नीचे वाले कंपाउंड है यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखता है ओपन में, इसको मारने के लिए गाड़ी घुमाता हूँ, बट वो तो गोली चला के मुझे रुका दिया। अब इसको तो मारना है, ये बंदा भाग जाता है थोड़ा सा पीछे, तो सीधा कूद के जाता हूँ इसके पास, और मुझे लगता है ये बंदा इस घर पे बैठा है, तो एक नेड किया बट ये बंदा पीछे कूद गया। अभी मुझे कंफर्म नहीं है बंदा कहाँ है, इस बिल्डिंग के पीछे है कि शैक में है कि शैक के पीछे, तो बस एक रैंडम नेड पिन करता हूँ कहीं पे भी फेंकने के लिए, सोचा था शैक के पीछे फेंकूंगा। और क्योंकि ये लो था तो एकदम अंधा पुश कर देता हूँ और इसको मार दिया।
ये आवाज सुनी पीछे स्कारलेट चलने की। अभी पीछे की तरफ भी बंदे हैं जो कि एकदम घूम के आता हूँ इस स्क्वाड हाउस पे, बट ये बंदा जो है सामने वाले घर पे रुका है। इस छोटे वाले कंपाउंड पे आता हूँ और तभी वो बंदा निकलता है और एक सरप्राइज अटैक देके इस बंदे को मार दिया। अभी गाड़ी लेके निकलता हूँ, जोन देखो कितना छोटा कट गया। तो इस हिसाब के जोन में 45 बंदे अलाइव थे, तो मुझे लग रहा था ब्रिज से काफ़ी बंदे आएंगे क्योंकि फ्लाइट पाथ जो था वो इस साइड का नहीं था, तो बंदे आने के चांसेस थे। सो आता हूँ यहाँ पे पहले चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ही ब्रिज कैंप था और काफ़ी तगड़ा वाला कैंप था। सो नीचे से आता हूँ इस बंदे को मारने के लिए, सोचा इसको मार लूँगा तो बस फिर। लेकिन ये मैंने गलती कर दी कि मैंने डीपी चलाई, M4 होता तो इजीली मार सकता था उसको, बट कोई नहीं। अभी जोन देखो क्या कटा है, एकदम उल्टा। जोन इस गेम में ना बहुत ज़्यादा धोखे देता है। अब फिर से निकलता हूँ जोन के चक्कर में, 39 अलाइव है तो यार पोजीशन अपने को चाहिए, अभी मर गया तो माइनस लगने के चांसेस है। सो थोड़ी देर ये वाले कंपाउंड पे आके होल्ड करता हूँ सेंटर में और फिर जोन देखो। अब यार इस साइड आया था कि जोन फिर से एकदम उल्टा। अब वापस से जाता हूँ जोन में पोजीशन होल्ड करने और कुछ ढूंढ ही रहा था एक अच्छा खासा कंपाउंड मिल जाए, सोचा ये वाले घर पे रुकूंगा। स्काउट कर रहा था यहाँ पे कोई है कि नहीं, और तब भी ये बंदे ने गोली चलाई तो ठीक है चलो, बट यार टायर पंचर कर दिया, ये चीज़ पे ना बहुत दिमाग खराब हो गया। अब मजबूरी में मुझे यहीं पे रुकना पड़ गया। खैर ये भी बुरी जगह नहीं थी, जोन था यहाँ पे। कोशिश करता हूँ ये बंदा दिखे, बट ये बाहर नहीं आता, एकदम अंदर ही बैठा है। उतने में यार वो बंदा आखिर जाना कहाँ चाहता था, आ तो गया था इस साइड, कहीं पे भी रोक देता, लेकिन नहीं घुमा रहा है। अब काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड किया हूँ, जोन देखो एकदम कट गया, 29 अलाइव है इतने छोटे जोन में, एकदम ओपन जोन है। काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद जोन कटता है जो कि काट देता है एक्चुअली। देखो फिर से एकदम हार्ड शिफ्ट, एकदम उल्टा जोन। अब यार सोचा था बग्गी लेके जाऊँगा, बट ये बग्गी के हालात देख के मुझे लगा नहीं कि जा पाऊंगा, तो सोचा यार क्यों ना इस बंदे पे एक बार फिर से ट्राई मारते हैं, क्या मालूम मर जाए इस बार। और तभी ये बंदा काफी लो कर दिया इसको, अभी सीधा पुश करता हूं। इसका आउटफिट देखा तुमने, एक सूट वाला बंदा है ये। और इस मैच में जो बहुत कम किल्स है वो इसी बंदे की वजह से, ऐसी नहीं मुझे उतरते ही मार दिया था। भाई साहब क्या ही मेरी हेल्थ बची थी, मुझे नहीं मालूम था बंदा वॉल पे है। जैसे तैसे किस करके इसको मार दिया, यहाँ से निकलने वाला था भाई, कितना लो किया। इसको भी हेड दिया। ये मैच में तो लग रहा था बस मेरा डैमेज या किल्स तो थे ही नहीं, 6 किल्स थे। अब जोन फिर से हार्ड शिफ्ट लेने वाला है, यहाँ तक तो आ गया हूँ जोन में, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं गाड़ी को मार रहा हूँ क्योंकि जोन कटेगा, तो वेट कर रहा था कि जोन जैसे ही कटेगा तो ये वाला जोन पहले जाके ले लूँगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट सपोर्ट ले रहा था। और ये वाला फिर से एकदम उल्टा जोन गया, तो जाता हूँ सीधा एक अच्छी पोजीशन लेने, जो कि अच्छी तो थी बट बहुत महंगी पड़ने वाली है। देखो यहाँ पे एक अच्छी जगह तो मुझे मिल गई, लेकिन मैंने एक गलती कर दी, अपना बैग क्लियर नहीं किया। मेरे पीछे से एक बंदा है जो कि मैंने चेक नहीं किया, यहाँ पे कुछ उतने में यार ये बंदा पीछे से आके मार देता है, बट कोई नहीं। इसमें प्लस देखो तुम कितना मिला, एस तो लग ही गया और 31 प्लस के साथ बहुत ही प्यारा प्लस मिला। इसमें भी दो मैचेस खेले थे, दोनों में इतना अच्छा प्लस मिला, मजा आ गया पूरा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। For you, come along and see it's true, but the world